हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो हैकर। तो आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल सा वोल्टेज रेगुलेटर बनाना सीखेंगे। आप कह लीजिए कि 9 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इजीली आप घर पे बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक ट्रांसफार्मर और इन कॉम्पोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले एक चाहिए ऐसा एक ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर 230 एसी करंट को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपको चाहिए चार डायोड। ये IN 4007 डायोड्स हैं। फ्रेंड्स, आपके चार चाहिएंगे, ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद आपको चाहिएगा एक कैपेसिटर। फ्रेंड्स, मैंने 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफेट का कैपेसिटर यूज़ किया है। अगर आपने इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मैंने इसको 12 वोल्ट के करंट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट किया है, इसलिए मैंने ये वाला कैपेसिटर यूज़ किया है। आपने अगर 12 वोल्ट के करंट को ऐसे 12 वोल्ट एज इट इज़ यूज़ करना है तो आप इस कैपेसिटर को 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेट का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आईसी यूज़ किया है, LM7809 आईसी है। अगर फ्रेंड्स आपने इसको फिर से वही 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इसकी जगह 7812 आईसी यूज़ कीजिएगा, LM7812। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इनके सारे कनेक्शन करके इससे कनेक्ट कर दिया अपना क्लिप से, ताकि मैं इसको आराम से इसकी 9 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकूँ। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक सर्किट डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ कि इसकी जो वायरिंग के कनेक्शन है वो हमने कैसे करने हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम में फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर शो किया गया है वही ट्रांसफार्मर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अपने जो सर्किट बनाया हुआ था उसके अंदर। फ्रेंड्स, जो सर्किट डायग्राम है, ये 12 वोल्ट एसी करंट को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट किया गया है इसमें। बाकी अगर फ्रेंड्स हमने 12 वोल्ट एसी को 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है तो हमने सेम सर्किट ही यूज़ किया, सेम सर्किट ही चलेगा इसमें। फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर की दो वायर थी उसको मैंने डायोड के बीच में कनेक्ट किया हो गया है। फ्रेंड्स, अब सबसे जो मेन चीज़ है वो आप डायोड की पोजीशनिंग में पक्का ध्यान रखना। जहाँ पे जो जैसे यहाँ पे डायोड की पोजीशनिंग मैंने दिखाई गई है, आपने वैसे बिल्कुल कनेक्ट करना डायोड को, तभी आपका सर्किट बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जो डायोड की पॉजिटिव वायर है वो हमने बिल्कुल आईसी के पॉजिटिव में कनेक्ट कर देनी है, और जो डायोड की नेगेटिव है हमने आईसी के नेगेटिव में कनेक्ट कर देनी है। फ्रेंड्स, जो हमने बीच में एक कैपेसिटर यूज़ किया है वो यहाँ पे इस डायग्राम में 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफेट का शो किया गया है। पर फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट किया गया है। अगर हम 9 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको तो हम यहाँ पे 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफेट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो आईसी यूज़ किया है वो LM7809 यूज़ करनी है। इस सर्किट डायग्राम में LM7812 शो की गई है, पर हमने ये यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फ्रेंड्स ये उसके लिए अगर हमने डायरेक्टली इस करंट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, पर हमने फ्रेंड्स इस करंट को 9 वोल्ट एसी में कन्वर्ट 9 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे LM7809 आईसी का यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल डायोड से एक वायर कैपेसिटर के बीच से कनेक्ट करके हमने यहाँ पे आईसी के अंदर लगा दी है। उसके बाद जो ग्राउंड है हमने कैपेसिटर के बीच से आईसी के बिल्कुल ग्राउंड में कनेक्ट कर दी है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आउटपुट की वायर है ग्राउंड की इसकी आईसी की, वो हमने डायरेक्टली हमने अप्लाइंस के पॉजिटिव टर्मिनल में लगा देनी है। और जो इसकी नेगेटिव की वायर है आईसी के जो बीच से जा रही है, वो हमने डायरेक्टली जो हमने अप्लाइंस कनेक्ट की थी उसके नेगेटिव में लगा देनी है। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गलती से मैंने इस सर्किट डायग्राम के बीच में लास्ट में एक कैपेसिटर शो कर दिया है, वो आप चाहे ना भी लगाएं तो भी चलेगा आपका सर्किट डायग्राम। फ्रेंड्स, आपने जो लास्ट में जो अप्लाइंस कनेक्ट करनी है वहाँ पे आप चाहे तो बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं 9 वोल्ट की, तो वो भी आपकी चार्ज होएगी, या आप उसको एज अ रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसको 12 वोल्ट में यूज़ करना है तो आप सेम टू सेम सर्किट डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपने इसको 5 वोल्ट में एसी में कन्वर्ट करना है, 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे एक हल्का सा चेंज कर दीजिए। जो आईसी है ये LM7805 यूज़ कर लीजिए, तो जो आपका पूरा करंट है बिल्कुल 5 वोल्ट एसी 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा पूरा सर्किट रेडी है। मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है, कैसे इसने पूरा एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया गया है।